शुभ संकल्पों के मोती हम भर भर सब पे लुटाएंगे। शुभ संकल्पों के मोती हम भर भर सब पे लुटाएंगे। बुझे आत्मदीपों में हम फिर से आस जगाएंगे। शुभ संकल्पों के मोती हम भर भर सब पे लुटाएंगे। शुभ संकल्पों के मोती हम भर भर सब पे लुटाएंगे। बुझे आत्मदीपों में हम फिर से आस जगाएंगे। शुभ संकल्पों के मोती हम भर भर सब पे लुटाएंगे। शुभ संकल्पों के मोती हम भर भर सब पे लुटाएंगे। सबके लिए शुभ भावना जन जन को यही संदेश हो। ना मन में कभी आवेश हो जीवन का यही परिवेश हो। हो सबके लिए शुभ भावना जन जन को यही संदेश हो। हम में डूबी मानवता पर हम खुशियाँ बरसाएंगे। शुभ संकल्पों के मोती हम भर भर सब पे लुटाएंगे। शुभ संकल्पों के मोती हम भर भर सब पे लुटाएंगे। का सहारा वो जीवन में कभी न हारा। हाथों में प्रभु के हाथ रहे वही तो है सबका प्यारा। है प्रभु ही जिसका सहारा वो जीवन में कभी न हारा। हाथों में प्रभु के हाथ रहे वही तो ज्योति की किरणों से हम जग के पाप मिटाएंगे। शुभ संकल्पों के मोती हम भर भर सब पे लुटाएंगे। शुभ संकल्पों के मोती हम भर भर सब पे लुटाएंगे। देते चले खुशियाँ सबको कभी किसी से खेद न हो। फूले फले हर मन आंगन रंग रूप का कोई भेद न हो। हम देते चले खुशियाँ सबको कभी किसी से खेद न हो। से दिल की तार जुड़े हम सुर से सुर मिलाएंगे। शुभ संकल्पों के मोती हम भर भर सब पे लुटाएंगे।
शुभ संकल्पों के मोती हम भर भर सब पे लुटाएंगे। शुभ संकल्पों के मोती हम भर भर सब पे लुटाएंगे। ओम शांति। ये कलयुग है भूतों की दुनिया, जहाँ पांचों विकार अपने भिन्न भिन्न रूपों में सर्वव्यापक हैं, हर देश में, हर कोने में, हर मनुष्य आत्मा के मन में ये पांचों ही भूत विद्यमान है, कहीं ज़्यादा तो कहीं कम। और इन भूतों के साथ ही हमारी लड़ाई है, और इस युद्ध में विजय पाने के लिए स्वयं भूतनाथ, कालों का काल महाकाल, सर्वशक्तिमान शिव बाबा सदा हमारे साथ है, जो रोज़ भिन्न भिन्न विधियाँ इन भूतों को भगाने की हमें सिखाते हैं। आज की विधि भी थोड़ी अलग हटके है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 31 अक्टूबर 2024। आज सभी के घरों में दीपावली का त्यौहार भी मनाया जाएगा, तो दीपावली की भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम सभी बाबा के चेतन दीपक मिलकर सच में इन भूतों को, इस अंधकार को अपने और अपनों के जीवन से हटाएं। सब पूर्ण सृष्टि के अंदर सच्ची दीपावली, जिसे हम सतयुग कहते हैं, वो लेकर आए, ऐसा प्रण करके हम सुनेंगे बाबा के महावाक्य। बाबा ने बोला, मीठे बच्चे ऑर्डर करो कि हे भूतो, तुम हमारे पास आ नहीं सकते। ऑर्डर कर सकते हैं ऐसे, तुम उनको डराओ तो वह भाग जाएंगे, है ना। वो हमें डराते हैं, हम उन्हें डराते हैं तो भाग जाएंगे। प्रश्न है, ईश्वरीय नशे में रहने वाले बच्चों के जीवन की शोभा क्या है? क्या है? उत्तर है, सर्विस ही उनके जीवन की शोभा है। जब नशा है कि हमें ईश्वरीय लॉटरी मिली है, तो सर्विस का शौक होना चाहिए, परंतु तीर तब लगेगा जब अंदर कोई भी भूत नहीं होगा। तीर क्यों नहीं लगता? भूत है। दूसरा प्रश्न है, शिव बाबा का बच्चा कहलाने के हकदार कौन है? सब कहते हैं ना, हम कौन है? बाबा के बच्चे, पर हकदार कौन है? उत्तर है, जिन्हें निश्चय है कि भगवान हमारा बाप है। हम ऐसे ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे हैं, ऐसे नशे में रहने वाले लायक बच्चे ही शिव बाबा का बच्चा कहलाने के हकदार हैं। अगर कैरेक्टर ठीक नहीं, चलन रॉयलिटी की नहीं, कैरेक्टर ठीक नहीं, चलन रॉयल नहीं है, रॉयलिटी की नहीं, तो वह शिव बाबा का बच्चा नहीं कहला सकते। भले कहें, परंतु कहलाने के हकदार नहीं है। ओम शांति। शिव बाबा याद है, स्वर्ग की बादशाही याद है, यहाँ जब बैठते हो तो दिमाग में आना चाहिए, हम कौन है? बेहद के बाप के बच्चे हैं, और नित्य बाप को याद करते हैं। बच्चे भी हैं और पापा को याद भी करते हैं। याद करने बगैर हम वर्षा ले नहीं सकते। काहे का वर्षा? कौन सा वर्षा?
पवित्रता का, है ना। सबसे पहले ज़रूरी है पवित्रता का वर्षा, और उसका आधार है बाबा की याद, हर पल याद। तो उसके लिए ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए। कभी भी कोई विकार की बात हमारे आगे आ नहीं सकती। सिर्फ विकार की भी बात नहीं, एक भूत नहीं, परंतु कोई भी भूत आ नहीं सकता। ऐसा शुद्ध अहंकार रहना चाहिए, बहुत ऊंचते ऊंच भगवान के हम बच्चे भी ऊंचते ऊंच ठहरे ना। बातचीत चलन कैसी रॉयल होनी चाहिए, है ना। किसी का ऊंचा घराना होता है तो उसके चाल से चलन से व्यवहार से पता चलता है ना। तो हम तो सर्वोच्च कुल के हैं, तो हमारी भी चाल बोल चाल रॉयल होनी चाहिए ना। बाप चलन से समझते हैं, यह तो बिल्कुल ही वर्थ नॉट अ पैनी है। मेरा बच्चा कहलाने का भी हकदार नहीं। लौकिक बाप को भी नालायक बच्चे को देख अंदर में ऐसे होता है, यह भी बाप है ना। उसको अंदर में होता है ना लौकिक बाप को कि ये तो बच्चा कहलाने के लायक नहीं है। पापा को भी होता है। बच्चे जानते हैं बाप हमको शिक्षा दे रहे हैं, परंतु कोई कोई ऐसे हैं जो बिल्कुल समझते नहीं। शिक्षा दे रहे हैं बाबा तो, लेकिन बच्चे नहीं समझते। बेहद का बाप हमको समझा रहे हैं, वह निश्चय नहीं नशा नहीं। क्यों नहीं समझते? क्योंकि न निश्चय है न नशा है। तुम बच्चों का दिमाग कितना ऊंच होना चाहिए, हम कितने ऊंच बाप के बच्चे हैं। बाप कितना समझाते हैं, अंदर में सोचो हम कितने ऊंचते ऊंच बाप के बच्चे हैं। हमारा कैरेक्टर कितना ऊंच होना चाहिए, जो इन देवी देवताओं की महिमा है वह हमारी होनी चाहिए। प्रजा की थोड़ी महिमा है, प्रजा की महिमा नहीं है। एक लक्ष्मी नारायण को ही दिखाया है, तो बच्चों को कितनी अच्छी सर्विस करनी चाहिए। इन लक्ष्मी नारायण दोनों ने यह सर्विस की है ना। दिमाग कितना ऊंचा चाहिए, कितना ऊंचा चाहिए, बहुत ऊंचा। कई बच्चों में तो कोई फर्क ही नहीं, माया से हार खा लेते हैं तो और ही जास्ती बिगड़ जाते हैं। जब इम्प्रूवमेंट नहीं होगा ना, तो जो कंडीशन है और ज़्यादा बुरी होती जाएगी। नहीं तो अंदर में कितना नशा रहना चाहिए। हम बेहद के बाप के बच्चे हैं, बाप कहते हैं सबको मेरा परिचय देते रहो। सर्विस से ही शोभा पाएंगे, तब ही बाप के दिल पर चढ़ेंगे। बच्चा वह है जो बाप के दिल पर चढ़ा हुआ हो, जो बाबा के दिल में है ना। अगर बाबा के दिल पूरी करते हैं, बाबा की आशाओं के दीपक बनते हैं, बाबा की सब इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। बाबा क्या चाहते हैं? हमें बाप समान बनाना चाहते हैं, हमारी उन्नति करना चाहते हैं। अगर बाबा की आशाओं के सच्चे दीपक बनते हैं तो बाबा के दिल पर चढ़ते हैं। इतना मोह होता है, परंतु वह तो है हद का मायावी मोह, है ना। यह तो है बेहद का, दुनिया में मायावी मोह है। यहाँ बाबा कहते शुद्ध मोह है बच्चों से। ऐसा कोई बाप होगा जो बच्चों को देख खुश ना हो,
है कोई ऐसा बाप? माँ बाप को तो अथाह खुशी होती है। यहाँ जब बैठते हो तो समझना चाहिए, बाबा हमको पढ़ाते हैं। बाबा हमारा ओबीडियंट टीचर है। बेहद के बाप ने ज़रूर कोई सर्विस की होगी, तब तो गायन है ना। कितनी वंडरफुल बात है, कितनी उनकी महिमा की जाती है। यहाँ बैठे हो तो बुद्धि में नशा रहना चाहिए। मधुबन में बातें हैं ना, तो बाबा कहते हैं यहाँ बैठते हो तो नशा चढ़ना चाहिए। सन्यासी तो है ही निवृत्ति मार्ग वाले, वो तो सब छोड़ छाड़ कर चले जाते हैं। उन्हों का धर्म ही अलग है। यह भी अब बाप समझाते हैं, तुम थोड़ी जानते थे सन्यास मार्ग को। तुम तो गृहस्थ आश्रम में रहते भक्ति आदि करते थे, तुमको फिर ज्ञान मिलता है। उनको तो ज्ञान मिलने का है नहीं, किनको? सन्यासियों को। तुम कितना ऊंच पढ़ते हो और बैठे कितने साधारण हो, कितने सिंप्लिसिटी से बैठते हैं नीचे ना। बाबा के टाइम पर तो जब हिस्ट्री हॉल के अंदर मुरली चलती थी तो फिर सब नीचे ही बैठते थे ना। दिलवाड़ा मंदिर में भी तुम नीचे तपस्या में बैठे हो, ऊपर में वैकुंठ खड़ा है। ऊपर वैकुंठ को देख मनुष्य समझते हैं स्वर्ग ऊपर ही होता है ना। वो तो दिखाने के लिए ना, कहाँ दिखाएं फिर, परंतु प्रैक्टिकली तो स्वर्ग यही होता है। तो तुम बच्चों के अंदर में यह सब बातें आनी चाहिए कि यह स्कूल है। हम क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। कहाँ चक्र लगाने जाते हो तो भी बुद्धि में यह ख्यालात चले तो बहुत मज़ा आएगा। याद रहे हम कौन हैं? स्टूडेंट हैं। बेहद के बाप को तो दुनिया में कोई नहीं जानते। बाप के बच्चे बनकर और बाप की बायोग्राफी को ना जाने, ऐसा भुट्टू कभी देखा है ना? अपने पिता की बायोग्राफी को नहीं जानते, न जानने के कारण कह देते वह सर्वव्यापी है। जानते नहीं है ना, तो बस एक ही तरीका बचता है, कह देते सब जगह है, सर्वव्यापी है। भगवान को ही कह देते आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी। तुम बच्चों को अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। हम कितने ऊंच पूज्य थे, फिर हम ही क्या बने? पुजारी बने हैं। तो हम आत्माएं पूज्य सो पुजारी बनी है। बाबा नहीं, बाबा तो सदैव पूज्य है। जो शिव बाबा तुमको इतना ऊंच बनाते हैं, फिर ड्रामा अनुसार तुम ही उनकी पूजा शुरू करते हो। इन बातों को दुनिया थोड़ी जानती है कि भक्ति कब शुरू होती है। बाप तुम बच्चों को रोज रोज समझाते रहते हैं। यहाँ बैठे हो तो अंदर में खुशी होनी चाहिए ना। हमको कौन पढ़ाते हैं? क्या खुशी होनी चाहिए? हमको कौन पढ़ाते हैं? भगवान आकर पढ़ाते हैं। यह तो कभी सुना भी नहीं होगा। वह तो समझते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण है, तो श्री कृष्ण ही पढ़ाता होगा। अच्छा, श्री कृष्ण भी समझो, सपोज श्री कृष्ण ही है तो समझो, तो भी कितनी ऊंच अवस्था होनी चाहिए। एक किताब भी है ना, अपने बाबा के बच्चों ने बनाई, जगदीश भाई साहब ने बनाई थी, मनुष्य मत और ईश्वरीय मत का। देवताओं को तो
मत लेने की दरकार ही नहीं है। मनुष्य चाहते हैं ईश्वर की मत, है ना। देवताओं को तो मत अगले जन्म में मिली थी जिससे ऊंच पद पाया, है ना। वो आत्माएं जो देवी देवताएं हैं उन्होंने पिछले जन्म के अंदर ईश्वरीय मत पर कार्य किया जिसके कारण उनको ऐसी मत मिली। बाकी कोई ऐसे नहीं है। बाबा कहते हैं तो एक है मनुष्य मत, एक है ईश्वरीय मत। अभी तुम बच्चों को क्या मिल रही है? श्रीमत मिल रही है श्रेष्ठ बनने के लिए। ईश्वरीय मत और मनुष्य मत में कितना फर्क है। मनुष्य मत क्या कहती है, ईश्वरीय मत क्या कहती है? तो जरूर ईश्वरीय मत पर चलना पड़े, चलना पड़े ना। कोई से मिलने जाते हैं तो कुछ भी ले नहीं जाते, याद नहीं रहता किसको क्या सौगात देनी चाहिए। यह मनुष्य मत और ईश्वरीय मत का कंट्रास्ट बहुत जरूरी है। तुम मनुष्य थे तो आसुरी मत थी और अभी ईश्वरीय मत मिलती है, उनमें कितना फर्क है। यह शास्त्र आदि सब मनुष्यों के ही बनाए हुए हैं, तो शास्त्र मत कोई अलग नहीं है, वो भी मनुष्य मत ही है। बाप कोई शास्त्र पढ़कर आते हैं क्या? बाप कहते हैं मैं कोई बाप का बच्चा हूं क्या? मैं कोई गुरु का शिष्य हूं क्या जिससे सीखा हूं? तो बाबा कई बार हमें मुरली में बताते हैं कि बाप ऐसा बाप है जिसका कोई बाप नहीं, ऐसा टीचर है जिसका कोई टीचर नहीं, ऐसा गुरु है जिसका कोई गुरु नहीं। तो बाबा कभी शिष्य नहीं बनते हैं, स्टूडेंट नहीं बनते हैं। तो बाबा कहते हैं तो यह भी सब बातें समझानी चाहिए, भले यह जानते हैं कि बंदर बुद्धि है परंतु मंदिर लायक बनने वाले भी हैं ना। बंदर बुद्धि यानी विकारी बुद्धि, लेकिन ये भी बाबा जानते हैं कि यही बंदर बुद्धि फिर मंदिर लायक भी बनेंगे। ऐसे बहुत मनुष्य मत पर चलते हैं। फिर तुम सुनाते हो कि हम ईश्वरीय मत पर क्या बनते हैं। वह हमको पढ़ाते हैं, भगवान वाच हम उनसे पढ़ने जाते हैं। हम रोज एक घंटा पौना घंटा जाते हैं। क्लास में जास्ती टाइम भी लेना नहीं चाहिए, है ना। बाबा कहते हैं ज़्यादा लंबी क्लास भी नहीं करनी चाहिए, मुरली आधा पौना घंटे में पूरी हो जाती है। याद की यात्रा तो चलते फिरते हो सकती है। ज्ञान और योग दोनों ही बहुत सहज है। अल्फ का है ही एक अक्षर। भक्ति मार्ग के तो शास्त्र कितने हैं, ढेर हैं, है ना। और यहाँ पर तो बाबा कहते बस मुझे याद करो, अपने को आत्मा समझो, इकट्ठा करो तो सारा घर शास्त्रों से भर जाए। इतने शास्त्र हैं, कितना इन पर खर्चा हुआ होगा। अब बाप तो बहुत सहज बताते हैं, बहुत इजी है, इतना विस्तार नहीं है ज्ञान का, सिर्फ बाप को याद करो। तो बाप का वर्षा है ही स्वर्ग की बादशाही। तुम क्या थे, विश्व के मालिक थे ना, तब क्या था भारत? भारत हैवन था ना, क्या तुम भूल गए हो? यह भी ड्रामा की भावी कहा जाता है, ये भूल भुलैया का नाटक है, इसमें हम बार बार भूल जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ये भी ड्रामा की भावी है। अब बाप आया हुआ है, हर 5,000 वर्ष बाद आते हैं पढ़ाने।
बेहद के बाप का वर्षा जरूर स्वर्ग नई दुनिया का होगा ना। यह तो बिल्कुल सिंपल बात है, लाखों वर्ष कह देने से बुद्धि को जैसे ताला लग गया है, फिर खुलता ही नहीं है, ताला खुलता ही नहीं। ऐसा ताला लगा हुआ है जो इतनी सहज बात भी समझते नहीं है। तो ऐसे जो विकार हैं वो बुद्धि को ऐसा विकृत कर देते हैं, पत्थर बुद्धि बना देते हैं, जो बाबा की बात अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाती। बाप समझाते हैं एक ही बात बस है, जास्ती कुछ भी पढ़ाना नहीं चाहिए। यहाँ तुम एक सेकंड में किसको भी स्वर्गवासी बना सकते हो, परंतु यह स्कूल है इसलिए तुम्हारी पढ़ाई चलती रहती है। ज्ञान सागर बाप तुम्हें ज्ञान तो इतना देते हैं जो सागर को स्याही बनाओ, सारा जंगल कलम बनाओ, तो भी अंत नहीं हो सकता। कितनी महिमा है शास्त्रों में कि सारा सागर शाही बनाओ, सारे जंगल को कलम बनाओ, है ना, और सारी पृथ्वी को कागज बना दो, स्वयं सरस्वती बैठकर परमात्मा की महिमा लिखे तो भी कम हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे शास्त्रों में लिखा है। ज्ञान को धारण करते कितना समय हुआ है, भक्ति को तो आधा कल्प हुआ। ज्ञान तो तुमको एक ही जन्म मिलता है, बाप तुमको पढ़ा रहे हैं नई दुनिया के लिए। उस जिस्मानी स्कूल में तो तुम कितना समय पढ़ते हो, 5 वर्ष से लेकर 20-22 वर्ष तक पढ़ते रहते हो। ऐसे ही होता है ना, अगर MSc करी है, चलो उसके बाद PhD भी करे तो 22 साल तक तो पूरी हो जाती है। कमाई थोड़ी और खर्चा बहुत करेंगे तो घाटा पड़ेगा ना, ऐसा ही होगा। बाप कितना सॉल्वेंट बनाते हैं, है ना, कितना समृद्धि संपन्नता आत्मा में भर देते हैं, फिर इन सॉल्वेंट बन जाते हैं। अभी भारत का हाल देखो क्या है, फलक से समझाना चाहिए, है ना, अंदर वो झलक वो फलक होनी चाहिए, माताओं को खड़ा होना चाहिए। तुम्हारा ही गायन है, माताओं का क्या गायन है, वंदे मातरम, धरती को वंदे मातरम नहीं कहा जाता है। बाबा कहते हैं ये भारत माता की बात नहीं है, ये भारत की इन माताओं की बात है जो भारत को स्वर्ग बना रही हैं। वंदे मातरम मनुष्य को किया जाता है, बच्चे जो बंधन मुक्त हैं वही यह सर्विस करते हैं, वह भी जैसे कल्प पहले बंधन मुक्त हुए थे वैसे होते रहते हैं। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं जानते हैं, हमको बाप मिला है तो समझते हैं बस अब तो बाप की सर्विस करनी है, बंधन है ऐसे कहने वाले ऋण बकरियां हैं। तो क्या है, हम ऋण बकरियां या शेर हैं, है ना। गवर्नमेंट कभी कह ना सके कि तुम ईश्वरीय सर्विस ना करो, है ना, हर एक को अपनी लाइफ में डिसीजन लेने का हक है। बात करने की हिम्मत चाहिए ना, जिसमें ज्ञान है वह तो इतने में सहज बंधन मुक्त हो सकते हैं, जज को भी समझा सकते हो। हम रूहानी सेवा करना चाहते हैं, जैसे वो कोर्ट का सीन दिखाते हैं ना मम्मा का, तो बाबा कहते हैं कि अगर ऐसा कुछ हो तो आप जज को भी बता सकते हो कि हम
ये सेवा करना चाहते हैं तो हमें फ्रीडम दो। तो बाबा कहते हैं उन्हें कहो कि हम यह रूहानी सेवा करना चाहते हैं, रूहानी बाप हमको पढ़ा रहे हैं। बताएंगे ना उन्हें कौन पढ़ा रहे हैं, है ना, कौन सी सेवा करना चाहते हैं। क्रिश्चियन लोग फिर भी कहते हैं लिबरेट करो, गाइड बनो। भारतवासियों से फिर भी उन्हों की समझ अच्छी है। तुम बच्चों में जो अच्छे समझदार हैं उनको सर्विस का बहुत शौक रहता है। समझते हैं ईश्वरीय सर्विस से बहुत लॉटरी मिलनी है। कई तो लॉटरी आदि को समझते ही नहीं कौन सी लॉटरी मिलती है, है ना। वहाँ भी जाकर दास दासियाँ बनेंगे तो लॉटरी नहीं समझते ना कि भगवान हमें कौन सी श्रीमत दे रहे हैं, इससे हमें क्या से क्या बन रहे हैं, इसका वैल्यू नहीं पता है तो लॉटरी लेते नहीं हैं। फिर वहाँ जाकर दास दासियाँ बनेंगे, दिल में समझते हैं अच्छा दासी ही सही। बाबा जी सब जानते हैं आपके अंदर क्या चल रहा है, तो बाबा हर एक के दिल की बात को जानते हैं। तो बाबा कहते हैं दिल में समझते हैं अच्छा दासी ही सही, चंडाल ही सही, स्वर्ग में तो होंगे ना, उन्हों की चलन भी ऐसी देखने में आती है, तो उन्हें कोई पुरुषार्थ करने की इच्छा नहीं है। तुम समझते हो बेहद का बाप हमको समझा रहे हैं, यह दादा भी समझाते हैं, शिव बाबा भी समझाते हैं, तो ब्रह्मा बाबा भी समझाते हैं। बाप इन द्वारा बच्चों को पढ़ा रहे हैं, किनके द्वारा, ब्रह्मा बाबा द्वारा। कोई तो इतना भी समझते नहीं, यहाँ से बाहर निकले खलास, यहाँ पर बैठे भी जैसे कुछ समझते नहीं। बुद्धि बाहर भटकती धक्का खाती रहती है, एक भी भूत निकलता नहीं है, पढ़ाने वाला कौन और बनते क्या है। साहूकारों के भी दास दासियां बनेंगे ना, अभी भी साहूकारों के पास कितने नौकर चाकर रखते हैं, सर्विस पर तो एकदम उड़ना चाहिए। तुम बच्चे शांति स्थापन अर्थ निमित्त बने हो, विश्व में सुख शांति स्थापन कर रहे हो। प्रैक्टिकल में तुम जानते हो हम श्रीमत पर स्थापन कर रहे हैं, इसमें अशांति कोई होनी नहीं चाहिए। बाबा ने यहाँ भी बहुत ऐसे अच्छे अच्छे घर देखे हुए हैं। ब्रह्मा बाबा ने एक घर में 6-7 बहुएं इकट्ठी इतना प्यार से रहते हैं, बिल्कुल शांति लगी रहती है। आजकल तो कंबाइंड फैमिली का रिवाज ही खत्म हो गया है, है ना, सभी अलग अलग हो गए हैं तो परिवार में नहीं रहते हैं। तो लेकिन बाबा ब्रह्मा बाबा बताते अपने टाइम की बातें कि उस समय भी, है ना, परिवार में सब 6-7 बहुएं, है ना, फिर उनके हस्बैंड, फिर बच्चे, सब इकट्ठे रहते, परंतु घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। तो बाबा कहते हैं बोलते थे हमारे पास तो स्वर्ग लगा पड़ा है, कोई खिटखिट की बात नहीं, सब आज्ञाकारी हैं। उस समय बाबा को भी सन्यासी ख्यालात थे, दुनिया से वैराग्य रहता था, अभी तो यह है बेहद का वैराग्य। यहाँ तो सारी दुनिया को भुलाना है, कुछ भी याद ना रहे। बाबा तो नाम सब भूल जाते हैं, बच्चे कहते हैं बाबा आप हमको याद करते हैं, पूछते हैं। बाबा कहते हमको तो सबको भूलना है, हमने देखा
बाबा की, ब्रह्मा बाबा की ऐसी स्थिति, फिर दादियों की भी ऐसी स्थिति देखी कि अंत में कुछ भी याद नहीं रहता था, बिल्कुल एक बाबा दूसरा ना कोई। तो बाबा कहते हैं कि हमको तो सबको भूलना है। क्या कहते थे बाबा इस पर? न बिसरो न याद रहो। बेहद का वैराग्य है ना, सबको भूलना है। हम यहाँ के रहने वाले थोड़ी हैं, बाप आया हुआ है अपना स्वर्ग का वर्षा देने। बेहद का बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। यह बैज बहुत अच्छा है समझाने के लिए, कोई मांगे तो क्या कहेंगे, तो बोलो समझ कर लो। इस बैज को समझने से क्या बन जाएंगे? इस बैज को समझने से तुमको विश्व की बादशाही मिल सकती है। शिव बाबा इस ब्रह्मा द्वारा डायरेक्शन देते हैं, मुझे याद करो तो तुम यह बनेंगे। गीता वाले जो हैं वह अच्छी रीति समझ लेंगे, जो देवता धर्म के होंगे। कोई कोई प्रश्न पूछते हैं, देवताएं गिरते क्यों हैं? अरे यह चक्र फिरता रहता है, पुनर्जन्म लेते लेते नीचे तो उतरेंगे ना, चक्र तो फिरना ही है। हर एक के दिल में यह आता ज़रूर है, हम सर्विस क्यों नहीं कर सकते हैं? ज़रूर मेरे में कोई खामी है तो खुद ही खुद की चेकिंग करनी है। माया के भूतों ने नाक से पकड़ा हुआ है, इसलिए ऐसी हालत है। अब तुम बच्चे समझते हो हमको अब कहाँ जाना है? घर जाना है, फिर नई दुनिया में आकर राज्य करेंगे। तुम मुसाफिर हो ना दूर देश से, यहाँ आकर पाठ बजाते हो। अभी तुम्हारी बुद्धि में है हमको अमर लोक जाना है, है बुद्धि में? यह मृत्यु लोक खलास हो जाना है। बाप समझाते तो बहुत हैं, अच्छी रीति धारण करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ना, ईश्वरीय ज्ञान को धारण करना। इस धारणा के आधार पर ही मार्क्स बनते हैं, इसको फिर उगारते रहना चाहिए। यह भी बाप ने समझाया है, कर्म भोग की बीमारी उथल खाएगी, माया सताएगी, है ना, उथल खाएगी माया सताएगी, परंतु मुझना नहीं चाहिए। थोड़ा कुछ होता है तो हैरान हो जाते हैं, बीमारी में मनुष्य और भी भगवान को जास्ती याद करते हैं, भले दुखी होते होते करें परंतु ज़्यादा याद करते हैं। बंगाल में जब कोई बहुत बीमार होता था तो उनको कहते हैं राम बोलो राम बोलो। देखते हैं अब मरने पर है तो क्या करते थे? तो गंगा पर ले जाकर, है ना, हरी बोल करते हैं, बनारस में ऐसा होता है। फिर उनको ले आकर जलाने की क्या दरकार है, गंगा में अंदर डाल दो ना, फिर लेकर क्यों आए हैं? कच्छ मच्छ आदि का शिकार हो जाएगा, बॉडी काम में आ जाएगी, काम में आ जाएगा। पारसी लोग रख देते हैं, उनका रिचुअल यही है, वो रख देते हैं डेड बॉडी को कुएं के आगे, तो वह हड्डियां भी काम में आती हैं। तो आते हैं वहाँ पर कौवे चीले, है ना, वो फिर बॉडी को यूज़ कर लेते हैं, अपने काम में यूज़ कर लेते हैं। तो बाबा कहते हैं पारसी लोग रख देते हैं तो वह हड्डियां भी काम में आती हैं। बाप कहते हैं तुम और सब बातें भूल, है ना, मुझे याद करो। इम्पॉर्टेंट बात, बाबा को याद करो। अच्छा,
रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, बंधन मुक्त बनकर भारत की सच्ची सेवा करनी है। फलक से समझाना है कि हमें रूहानी बाप पढ़ा रहे हैं, हम रूहानी सेवा पर हैं, ईश्वरीय सेवा की उछल आती रहे। कौन सी उछल आती रहे? कि मुझे ईश्वरीय सेवा करनी है। दूसरा, कर्म भोग की बीमारी व माया के तूफानों में मूंझना व हैरान नहीं होना है। बाप ने जो ज्ञान दिया है उसे उगारते बाप की याद में हर्षित रहना है। तो बस ज्ञान को उगारते रहो और हर्षित रहो। आज का वरदान है निराकार और साकार दोनों रूपों के यादगार को। दीपावली है ना, तो इस समय हम दोनों रूपों के यादगार को विधि पूर्वक मनाने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव है ना। श्रेष्ठ आत्मा कैसे बनेंगे? जब निराकार और साकार दोनों रूपों के यादगार को विधि पूर्वक मनाएंगे। तो क्या है विधि? दीपमाला अविनाशी अनेक जगे हुए दीपकों का यादगार है। आप चमकती हुई आत्माएं दीपक की लौ मिसल दिखाई देती हो। कैसे दिखाई देते हैं? दीपक की लौ मिसल। इसलिए चमकती हुई आत्माएं दिव्य ज्योति का यादगार स्थूल दीपक की ज्योति में दिखाया है। तो एक तरफ निराकारी आत्मा के रूप का यादगार है, दूसरी तरफ आपके ही भविष्य साकार दिव्य स्वरूप लक्ष्मी के रूप में यादगार है। यही दीपमाला देव पद प्राप्त करती है। तो आप श्रेष्ठ आत्माएं अपना यादगार स्वयं ही मना रहे हो। कितने भाग्यशाली हैं, स्थूल रूप भी देख रहे हैं और सूक्ष्म रूप भी। स्लोगन है, नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए अपनी भावनाओं को शुभ और बेहद का बनाओ। क्या बनानी है? शुभ और बेहद की भावनाएं, है ना, तब नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल सकेंगे। भी सुनते हैं आज का अव्यक्त इशारा। जैसे गेट की रखवाली की जाती है, ऐसे माया का जो गेट है उसकी भी रखवाली करनी है, जिससे कोई भी आसुरी संस्कार व संकल्प अंदर प्रवेश ना हो सके। फिर आपके पास कैसी भी आत्मा आएगी, वह आते ही आसुरी संस्कारों और व्यर्थ संकल्पों से मुक्त हो जाएगी, है ना। जब ऐसी सर्विस करेंगे तब प्रत्यक्षता होगी। तो कैसी भी आत्मा आए, क्या हो, हम उनके आसुरी संस्कारों को व्यर्थ संकल्पों को खत्म कर दें, उन्हें मुक्त कर दें, तब प्रत्यक्षता होगी बाबा की। तो व्यर्थ खत्म हो जाएगा, सर्वसमर्थ बाप के बच्चे हम सर्व सफलता मूर्त प्रत्यक्षता मूर्त बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। Thank you.
ज्ञान सागर का किनारा हमें श्रीमत का सहारा, ज्ञान सागर का किनारा हमें श्रीमत का सहारा, जीवन नैया मझधार है तेरे साथ से बेड़ा पार है, हो तेरे साथ से बेड़ा से बेड़ा पार है, ओ तेरे साथ से बेड़ा पार है।
गुणों से सजाए, जीवन दिव्य गुणों से सजाए। बेड़ा पार है, ओ तेरे साथ से बेड़ा पार है, ज्ञान सागर का किनारा हमें श्रीमत का सहारा, ज्ञान सागर का किनारा हमें श्रीमत का सहारा। जीवन नैया मझधार है, तेरे साथ से बेड़ा पार है, तो तेरे साथ से बेड़ा।